नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिथौरी अमावस्या क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के अमावस्या तिथि पड़ती है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, साथ ही इनका विशेष महत्व भी होता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस साल पिठोरी अमावस्या 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को है। इस अमावस्या पर पितृ तर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग यानी कि दूर्वा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुश अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर पितरों को तर्पण करने से पितृ दोष से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है और इस दिन महिलाएं मां दुर्गा की भी उपासना करती हैं और अपने पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। चलिए जानते हैं कि इस अमावस्या की, पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है। पिठोरी अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें, भगवान विष्णु और महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और साथ ही दान पुण्य करें। पिठोरी अमावस्या का महत्व क्या है? मान्यताओं के अनुसार पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से निसंतानों को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उन्हें संतान के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्तियां बनाते हैं। महिलाएं इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन दान, तप और स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और पिंड दान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत और पूजन केवल सुहागिन महिलाएं ही करती हैं और कुंवारी कन्याओं को इस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी कि पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।